एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी साड़ी ड्रैपिंग करके। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द साड़ी ड्रैपिंग। सो गाइज, दिस वन इज़ माई येल्लो कलर्ड साड़ी, एंड इसके बॉर्डर पे जो है ग्रीन एंड गोल्डन का वर्क किया गया है। सो इस साड़ी को मैं अभी पहन के दिखाऊंगी आप सभी को। सो ये येलो कलर की साड़ी मैं जल्दी से आपको वेयर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से इसका फॉल लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से आपको अपने राइट हैंड में इसको लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊंचा ले लूँगी ताकि ये बाद में पल्लू की जो प्लेट मतलब प्लेट्स बनेंगी तो वहाँ पे जो है अजीब सा ना लगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से पहनूँगी इस तरीके से। एंड इसको मैं सो इस तरीके से आप अपनी साड़ी को जो है टक कर लें अपनी पेटीकोट के अंदर, और इस तरीके से आप जो है टक कर लें अपनी साड़ी को अपने पेटीकोट में। एंड द नेक्स्ट अब मैं लूँगी पल्लू। तो पल्लू के लिए मैं लेंथ ले लेती हूँ ताकि ये बाद में जो है एडजस्ट करने में सही लगे। सो इसका जो है पल्लू जो है मोटा बनेगा, तो मैं इतना लेंथ का पल्लू जो है प्लेट्स पहले ऐसे ही बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लूँगी। तो इतनी लेंथ का जो पल्लू है मैं ले रही हूँ अपनी साड़ी में, एंड इसके बाद जो है मैं यहाँ से इसका पेटीकोट से यहाँ से मैं इसको टक कर लूँगी अपनी जो है साड़ी को। एंड ये पेटीकोट का जो ये वाला पोर्शन है साड़ी का, ये पोर्शन जो है मैं इसको यहाँ से सो मैंने इसको साड़ी के अंदर फिक्स अप कर लिया है। एंड द नेक्स्ट मैं इसका जो है पल्लू प्लेट बनाऊंगी। तो प्लेट के लिए मैं जो है यहाँ से इस साइड से लूँगी, एंड यहाँ से मैं साड़ी की प्लेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से आप प्लेट बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपनी सारी साड़ी की जो है प्लेट्स बनाती हूँ, और यहाँ से आप इस तरीके से अपनी प्लेट्स को जो है बनाएं। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि जब आप प्लेट्स बनाएं तो बिल्कुल मतलब प्लेट्स की जो है वीडियो ज़रूर आप बनाएं इस तरीके से। इस तरीके से जो है मैं अपनी प्लेट्स को जो है बनाऊंगी, एंड ऐसे आप इस तरीके से अपनी जो प्लेट्स हैं वो आप इस तरीके से एडजस्ट कर लें। तो मैं इसी तरीके से जो है अपनी साड़ी की प्लेट्स जो है एडजस्ट कर लूँगी। एंड ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये आप थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींचें, एंड ऊपर की तरफ अगर आप खींचेंगे इसको तो ये जो है अच्छे से नीचे जो है आपकी जो साड़ी है वो निकल के नहीं आएगी। एंड इसको आप पेटीकोट के अंदर इस तरीके से टक कर लें, एंड ये जो पोर्शन है ये निकल के आ रहा है तो इसको आप पीछे की तरफ इसको इस तरीके से। तो और अपनी जो साड़ी है इसको आप मतलब ये जो प्लेट हमने बनाए हैं इसको आप अपने नेवल की तरफ लेके आए और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दें। और अब बारी आती है पल्लू की। तो पल्लू के लिए मैंने पल्लू ऑलरेडी बनाया हुआ था, बट ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो
हम फिर से इसको जो है बना लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे चिल्ला भी बना सकते हैं, बट अगर आप हेल्दी हैं तो आप चिल्ला पल्ली ना डालें। चिल्ला पल्ली डालने से आप और भी ज़्यादा मोटे लग सकते हैं, तो अगर आप पतले हैं। सो इस तरीके से आप अपनी प्लेट्स को जो है बनाएं, एंड यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ले लें, और इसके बाद आप यहाँ पे भी इसको फिक्स कर लें ताकि जो है ये अच्छा लगे। सो इस तरीके से आप अपनी प्लेट्स को बनाएं, और यहाँ जो है अपने शोल्डर पे इसको टक कर लें। और ये जो यहाँ का इस साइड का है तो ये आप इधर पे इस साइड कर लें इसको, एंड ये जो कमर का पोर्शन है आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगाना है पिनअप, सो मुझे अपनी साड़ी को जो है पिनअप करना है, एंड सो अभी मैं इनको पिनअप कर लेती हूँ। सो यहाँ से आप इसको पिनअप कर लें इस तरीके से, और नेक्स्ट बारी आती है अब यहाँ की साड़ी प्लेट्स की। तो आप इस तरीके से अपनी साड़ी को लें, एंड प्लेट्स को आप इस तरीके से पिनअप कर लें, नीचे तक जाएं यहाँ तक, एंड इस तरीके से आप बनाएं अपनी साड़ी को। तो यहाँ पे आप अपनी साड़ी की जो प्लेट्स हैं इनको इस तरीके से आप एडजस्ट कर लें, और इस तरीके से आप पिनअप कर लें, और ये अंदर का जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा इनसाइड कर लें, और इस तरीके से आप जो है अपनी साड़ी पे पिनअप कर लें। और इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, आइदर यू कैन डाउन इट। सो हेयर यू कैन सी माई साड़ी। तो ये जो है पूरी साड़ी मैंने पहन लिया है इसको, एंड सिर्फ दो पिन से मैंने इसका यूज़ किया है, एंड आप देख सकते हैं ये साड़ी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक ऑफ माई साड़ी। तो इसके साथ में ये वाला सेफ्टी पिन भी ज़रूर अप्लाई करूँगी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा।